costumes of East Ladakh. Then these are warrior costumes. Warrior costume Ladakhi. हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कोने से लेकर वो लास्ट कोने तक 99 में जो वार हुआ था उसके दौरान जितने भी ऑपरेशन हुए उनकी सारी संपूर्ण जानकारी आपको ऐसे बोर्डों से दी जा रही है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके पीछे सियाचिन गैलरी, सियाचिन में जवान कैसे सर्वाइवर करता है, कैसे रहता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप हमसे बाद में कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो। सामने शोकेस में रखे कुछ एक वेपन्स, वो वेपन्स है पाकिस्तान के जो कि 99 के वार में इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए वेपन्स, वो भी आप देख सकते हैं। ये एक साइन मॉडल है, इंडियन आर्मी साइन मॉडल तब बनाती है जब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना हो या फिर ऑपरेशन करने के बाद किसी को डीब्रीफिंग देना हो, जैसे कि मैं आप सभी को दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये रोड है, कोई कच्ची रोड और कुछ पक्की रोड जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये रिवर है, कोई छोटे रिवर और कुछ बड़े रिवर, दो रिवर आ रहे हैं चाइना में, सॉरी चाइना से, इंडस रिवर और सिंगो रिवर जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ आ रहा है, और एक आ रहा है पीओके से सीकर रिवर जो पीओके से घूमता हुआ इंडिया की तरफ आ रहा है। रेड लेटर में कुछ एक नाम लिखे हुए हैं, रेड लेटर में बुलतारी, गोल, मतियार, बिचोट, मरोल, यह है पीओके के कुछ एक गांव जो कि अभी भी वहां पे पीओके में मौजूद है। जो एरो मेरे को इंडिकेट कर रहा है वो एलओसी, एलओसी फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल। 99 के वार से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौते में साइन हुआ था कि ज्यादा बर्फ पड़ते समय यानी विंटर्स के दौरान में कोई भी सेना ऊपर पोस्टों पे नहीं जाएगी, न इंडियन आर्मी और न ही पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बोला जाता है। एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन आर्मी नीचे बेस में डाउन हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छिपाते धीरे धीरे हमारे कुछ एक पोस्ट कैप्चर कर लिए जिस टाइम हम एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस में डाउन हो चुके थे। वो पोस्ट कौन से आप देख सकते हैं, दरास में 4875 टाइगर हिल, 5140 टोलोलिंग, नेक्स्ट कारगिल में 5608 ककसार, मजदास और बटाली के कुछ एक सेक्टर जैसे जुब्बर हिल्स, मोन्टोटालो, खालूपर और यल्दोर। अभी पाकिस्तान ने जितना कैप्चर करना था कर चुका है इंडिया के बारे में, इसको रिकैप्चर करने के लिए तो उसकी शुरुआत करी गई बटालिक सेक्टर से 2 मई को। 99 का जो वार शुरू हुआ था वो 2 मई से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद पहला ऑपरेशन किया गया मोन्टोटालो के पास 15 मई को। ऑपरेशन से पहले शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। 2 मई को एक चरवा जो कि भेड़ बकरी चराने वाला, इसका नाम था ताशीराम, वो क्या है मोन्टोटालो के पास ऊपर भेड़ बकरी चराने गया। वहां पर उसने देखा कुछ पठानी सूट पहने हुए लोग, 4-8 लोग वो क्या है बंकर बना रहे थे। तुरंत उसकी सूचना उसने क्या किया, बटालिक में जाके जो नीचे आर्मी बैठी थी एग्रीमेंट के हिसाब से बेस कैंप में उनको दी। उन्होंने क्या किया उसके बाद हरकत शुरू कर दी आर्मी ने, पेट्रोलिंग टीम भेजी, उसके बाद उसने एक अफसर 10 जवान जिसमें अफसर साहब का था कैप्टन सौरभ काले साहब, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने क्या है वापस सर्च करने गए मोन्टोटालो के पास, लेकिन वापस नहीं आए।
कुछ रहस्यमय तरीकों से वो गायब हो चुके थे। उसके बाद शुरू हुआ ये वार 2 मई से, और उसके बाद पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया मुंटू टाडे के पास 15 मई को, ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर इसलिए कहा गया वहां पे नाम, ज्यादा हाइट होने के कारण एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया, उसको सक्सेस बनाया, और पाकिस्तान ने जितने भी बटालिक सेक्टर के जगह जमीन पोस्ट कैप्चर किए थे उसको रिकैप्चर कर लिया गया 4-4, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में दरास, दरास में टोलोनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि नेशनल हाईवे जा रहा है जो जिला दरास, कारगिल, लेह लद्दाख, सियाचिन। अगर पाकिस्तान टोलोनिंग में कैप्चर कर लेता तो आज जहां पे हम लोग सब खड़े वहां पे कौन होता? पाकिस्तान। ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार, सॉरी ओपी विजय। 4H5 टाइगर हिल 5140 टोलोनिंग इसमें शामिल थे। आपने मूवी देखा हुआ है लेटेस्ट में आई थी, कौन सी? शेरशाह, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब भी शामिल हुए थे, जिसमें 5140 उनको टास्क दिया गया था रिकैप्चर करने के लिए। रिकैप्चर करने के बाद उन्होंने एक मैसेज पास किया, ये दिल मांगे मोर। उसके बाद उन्होंने क्या, नेक्स्ट में उनको टास्क मिला 4875 को रिकैप्चर करने के लिए। रिकैप्चर तो किया, लेकिन करते करते क्या है, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। उसके बाद आता है कारगिल 5608, ककसार और मजदास में एक लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये ऑपरेशन का ड्यूरेशन 2 मई 42 से शुरू हुआ था और 26 जुलाई जाके कारगिल में खत्म हुआ। पाकिस्तान ने जितने भी जगह जमीन पोस्ट कैप्चर किए थे उसको रिकैप्चर करने के लिए कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का टाइम लगा, लेकिन उस 3 महीने के दौरान में सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहां से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा पाया, इसलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है। थैंक यू, जय हिंद।
this is tribute to our heroes. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि पूरे लद्दाख सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय।